नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में एक आपको टेस्ट करके दिखाएंगे जो कि निसान किक्स के साथ है। इसमें रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन आता है, जो बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ीचर नहीं पता है कि इसमें रिमोट इंजन स्टार्ट का भी फीचर आता है। तो हम उसको आपको एक्टिवेट करके दिखाएंगे। इसकी चाबी कुछ इस तरह आती है, तो हम आपको इसमें बताएंगे किस तरीके से ये रिमोट से स्टार्ट होती है गाड़ी। तो एक बार गाड़ी की अंदर चलते हैं और इसकी पोजीशन देखते हैं, जिस पोजीशन में गाड़ी स्टार्ट होती है। तो रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है इसमें, ये गाड़ी अनलॉक हो गई। देन हम गाड़ी के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को जो इसमें ध्यान रखना है वो है इसमें हमारा जो पहले, तो सबसे पहले आपको बता दूँ ये CVT ट्रांसमिशन है। तो इसमें हमारा जो लीवर जो है आपका पार्किंग मोड पे होना चाहिए और हैंड ब्रेक आपका खींचा हुआ होना चाहिए। तो एक बार अब इसको गाड़ी को लॉक करते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से गाड़ी स्टार्ट होती है। अब हम गाड़ी को लॉक करते हैं। ये गाड़ी हमने लॉक कर दी, आप देखिए। और अब हमारे को इसको दो बार हमारे को इस वाले लॉक वाले बटन को प्रेस करना है। देन उसके बाद हमारे को दो ये वाला बटन 2S वाला हमारे को दबा के रखना है। देखिए गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है। आप साउंड भी सुन सकते हैं गाड़ी का, ठीक है। अब देखिए अंदर भी कोई नहीं बैठा हुआ है, गाड़ी लॉक। और साथ ही साथ हम इसे अगर बंद करना चाहते हैं तो हम अनलॉक वाला बटन प्रेस करेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बंद हो गई, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बार ही इसको और स्टार्ट करके देखते हैं। एक बार इसे लॉक करा, देन 2 सेकंड के लिए हमने ये बटन दबा के रखा। इसे दबा के रखना है गाड़ी जब तक स्टार्ट ना हो जाए। देखिए फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं अंदर भी कोई नहीं है। और इसकी अंदर से आप देख रहे हैं पिन्नी भी हिल रही है, जो AC अंदर चल रहा है। तो ये फीचर मोस्टली जो हमारा वर्क करता है, जैसे हमारी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, अंदर बहुत हीट हो जाती है, तो उस सिचुएशन के लिए ये हमारा फीचर जो है काम करता है। एंड अब हम इसको देखते हैं। देखिए आप अगेन इसको गाड़ी को बंद करते हैं, हमने अनलॉक का बटन दबाया और गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी बंद हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, और इसी तरीके के आप फीचर्स देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।